मैं अगर चाहूं तो मैं लास्ट में आपको लिस्ट भी एक लगा दूं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं उसका, पूरा मैं लिस्ट आपको लगा दूंगा कि इतने सारे वर्ब्स का हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश विथ रंजन सर यूट्यूब चैनल, और डियर आज हम आपके लिए लेकर आए वर्ब्स जिसका प्रयोग हम पैसिव वॉइस में नहीं करते हैं। डियर, जैसा कल मैं लाइव आया था और आपसे पूछा था कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, तो ये वीडियो भी आप ही के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। चलिए डियर, छोटा सा कंसेप्चुअल वीडियो बनेगा ये, छोटा सा वीडियो, जस्ट आप देखें कि किस तरह के वर्ब्स को हम पैसिव वॉइस में नहीं लिखते। तो अगर मैं बात करूं डियर पैसिव वॉइस की, तो पैसिव वॉइस सबसे पहले हम ये सीख लें कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए कैसा वर्ब, सॉरी कैसा हमें वर्ब चाहिए पैसिव वॉइस बनाने के लिए। तो डियर अगर हम बात करें पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम बात करेंगे कि सेंटेंस में हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होंगे तभी हम उसको पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं। तो डियर कहने का मतलब हुआ कि अगर ट्रांजिटिव होगा तो लिख सकते हैं, और अगर इनट्रांजिटिव हुआ तो हम उसको पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते हैं। तो बस इतना ही ध्यान रखना आपको कि सेंटेंसेस जो दिया हुआ है उसमें अगर इनट्रांजिटिव है तो इसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। तो करेंगे कैसे डियर, चेक करने के लिए आपके पास दो चीज है, एक है व्हाट और दूसरा है हुम। इन दोनों से डियर क्वेश्चन करना है, और ट्रांजिटिव के लिए यस आंसर होना चाहिए और इनट्रांजिटिव के लिए नो आंसर होना चाहिए। तो जैसे ही आपको आंसर नो मिलेगा मतलब उस दिए हुए वर्ब को हम पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते। और कॉमन कुछ वर्ब्स हैं, और एक और चीज बता दूं मैं कि कमेंट में इतने कमेंट आते हैं डियर कि मैं बताऊं सर आई गो टू स्कूल, आई गो टू मार्केट, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा। तो डियर जस्ट बिफोर कमेंटिंग आप ध्यान रखेंगे कि यार इसको से पहले हम क्वेश्चन करके देख ले क्या आंसर नो में आ रहा है, अगर आंसर नो में आ रहा तो उसका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। क्लियर है? चलिए मैं संडे से लिखता हूं, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब कोई क्वेश्चन हमारा है डियर कि क्या इसको हम पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, तो डियर जस्ट आस्क द क्वेश्चन विद हुम और व्हाट। मैं स्कूल जा रहा हूं, क्या जवाब होगा अगर मैं क्वेश्चन करूं इसमें, सॉरी मैं स्कूल किसको जा रहा हूं, ये तो सेंटेंस ही नहीं बना आपका। आप स्कूल क्या जा रहे हैं, मतलब दोनों से आपके जवाब नो में आए। नो में आने का मतलब है डियर कि अगर हमारे सेंटेंसेज नो है, इट मींस अगर हम नो की बात करें डियर, तो ये जो वर्ब दिया हुआ है इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते, इसको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते। अगर यस होगा तभी हम उसको पैसिव वॉइस में लिखेंगे, नो आने पे हम पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते। तो देखिए कुछ कॉमन वर्ड्स मैं लिख देता हूं डियर, अगर मैं बात करूं स्टार्ट करूं गो से, लाइक वॉक, लाइक स्लीप, और अगर मैं बात करूं मूव, तो जितने मोशन बताने वाले वर्ब से ये तो कभी पैसिव वॉइस में होंगे ही नहीं आपके, और कॉमनली करके मैं कर दूं इनट्रांजिटिव, ये सारे आपके इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनका कभी भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाएंगे। डियर कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं जिनका हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अगर कोई आपसे पूछ दे कि सर आई हैव अ कार, ये भी आता है कमेंट में कि आई हैव अ कार का पैसिव वॉइस क्या होगा, तो डियर इसका भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। तो डियर आपके हैव हो गए, हैज हो गए, इसका कभी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। और बहुत सारे आपको वर्ड्स मिलेंगे, ये कॉमन आपके थे कि हैज और हैव से आपको बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो और भी मैं कोशिश करता हूं कि चलिए लिखते हैं। तो डियर अगर और मैं लिखने की कोशिश करूं तो आप एक फिट वर्ब है, फिट का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अगर हम बात करें डियर बिलोंग की, तो इसका भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अगर हम बात करें डियर रिजेंबल की, रिजेंबल की, तो इसका भी हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। अब हम लिखते हैं एटसेट्रा। तो डियर कुछ आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स भी है जिनको हम पैसिव वॉइस में नहीं लिख सकते। तो आई होप जिनका भी ये क्वेश्चन होगा ये क्लियर हो गया होगा कि वर्ब जो कि पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते। तो आई होप डियर वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। तो चलिए डियर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।